अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस। मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अगर बारे में हम बात करें तो ये प्लेस जो है बेसिकली ये प्लेस नॉर्मन एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड के अंदर फ्लोरिश हुए थे। एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड को नॉर्मन एज भी कहते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से निकल के अगर हम इनकी डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मिरेकल प्लेस को। मिरेकल प्लेस को मिरेकल प्लेस भी कहते हैं। मिरेकल प्लेस जो होते हैं ये पॉपुलर हुए थे नॉर्मन टाइम पीरियड के अंदर। मिरेकल प्लेस के अंदर हम लोग बिब्लिकल स्टोरीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि अबाउट द क्रिएशन ऑफ मैन, हिज फॉल एंड बनिशमेंट फ्रॉम एडन, द लाइफ ऑफ क्राइस्ट एंड द डे ऑफ जजमेंट। इन शॉर्ट जो मिरेकल प्लेस होते हैं वो प्लेस बेसिकली रिलीजियस टेक्स्ट पे बेस करते हैं कि कैसे जो है एक आदमी को क्रिएट किया गया, किस तरह से उसको जन्नत से बाहर भेज दिया गया, ठीक है, जो आखिरत क़यामत कैसे आएगी, क्राइस्ट की लाइफ कैसी है, यानी कि सारी इस्लामिक हिस्ट्री हो रिलीजियस बेस्ड टेक्स्ट, ठीक है, वो मिरेकल प्लेस के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद जो दूसरे प्लेस हमारे पास आते हैं वो है मोरालिटी प्लेस। जैसे कि नेम इट्सेल्फ जो है, नेम इट्सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये जो है मोरालिटी प्रीच करेंगे, हमें हम लोगों को कोई इखलाकियात सिखाएंगे। हम इसके अंदर इखलाकियात को डिस्कस करते हैं जो हम लोगों को मोरालिटी सिखाते हैं, अच्छाई और बुराई की तरफ सिखाते हैं। ये प्लेस भी जो है ना मिडल एजेस में ही फ्लोरिश हुए थे। इनके अंदर इन प्लेस के अंदर गुनाहों की और नेकियों की तमीज़ सिखाई जाती है, अच्छाई और बुराई के बारे में बताया जाता है, गुड एंड एवल के बारे में बताया जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि ऑल्सो फ्लोरिश ड्यूरिंग मिडल एज यूनिफॉर्म थीम ऑफ स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एवल विद द इंटेंट टू टीच राइट लिविंग एंड अपहोल्ड रिलीजन द पर्सोनेज वर एब्स्ट्रैक्ट वर्चूज और वाइसेस। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि यहाँ पर अच्छाई और बुराई की तमीज़ सिखाते हुए ज़िंदगी में कैसे आपने रहना है, किस तरह से आपने रिलीजन के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको फॉलो करना है, क्या सूरत आल है कि ये जो रास्ता है ये अच्छा है, ये जो रास्ता है ये बुरा है, यानी कि एक मॉरल लेसन दिया जाता है इन मोरालिटी प्लेस के अंदर। समराइज़ कर देती हूँ मैं, समराइज़ करते हुए बता दूँ कि जो मिरेकल प्लेस हैं वो रिलीजियस बेस्ड होते हैं, रिलीजन टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, बिब्लिकल स्टोरीज ली जाती हैं। जो मोरालिटी प्लेस होते हैं ये भी रिलीजन बेस्ड होते हैं लेकिन यहाँ पे मोरालिटी प्रीच की जाती है, अच्छाई और बुराई की सेंस दी जाती है। आप आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।